भाजपा राजस्थान की सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वो अपने क्षेत्र और पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एकजुट करने में लग गई है। साथ ही बूथों को मजबूत करने के लिए कमजोर सीटों का विश्लेषण कर वहां के जिताऊ प्रत्याशी की तलाश की जा रही है। इस बीच उन नेताओं की घर वापसी का भी दौर शुरू हो गया है जो पिछले चुनावों में बाकी हो गए थे। दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार पार्टी में व्याप्त अंदरूनी कलह को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पार्टी में आपसी खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी हाल ही में पूर्व सांसद सुभाष मेहरिया सहित कई रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने भाजपा का दामन थामा है। मेहरिया से पहले पूर्व मंत्री घनश्याम तिवाड़ी और राजकुमार रिणवा ने भी घर वापसी कर चुके हैं, लेकिन मेहरिया के घर वापसी कार्यक्रम में और कार्य समिति की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति ने पार्टी की गुटबाजी की हवा को बल दिया है। दूसरी तरफ वसुंधरा खेमे के नेताओं की घर वापसी में हो रही देरी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल बीकानेर के कदवार नेता देवी सिंह भाटी, विजय बंसल और सुरेंद्र गोयल के नामों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, जबकि देवी सिंह भाटी तो वसुंधरा राजे के बीकानेर कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन देवी सिंह भाटी की बड़ी अड़चन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को माना जा रहा है। मेघवाल उस कमेटी के संयोजक है जो नेताओं की घर वापसी का जिम्मा संभाल रहे हैं। वहीं मेघवाल और भाटी के बीच की अदावत भी जग जाहिर है। ऐसे में माना जा रहा है कि भाटी की वापसी आसान नहीं होगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को 2019 के लोकसभा चुनावों में बीकानेर से प्रत्याशी बनाए जाने पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी देवी सिंह भाटी ने उनका विरोध किया था। इतना ही नहीं, भाटी ने भाजपा से बगावत कर खुद की पार्टी से अलग कर मेघवाल को हराने का बीड़ा उठाया था। इसके बाद भाजपा ने भाटी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि भाटी मेघवाल को चुनाव में पटकने देने में सफल नहीं हुए थे, लेकिन दोनों के बीच स्थानीय स्तर पर वर्चस्व की लड़ाई अब भी जारी है। देवी सिंह भाटी, विजय बंसल और सुरेंद्र गोयल के नामों की पार्टी में वापसी को लेकर भले ही चर्चाएं कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन वापसी का रास्ता कमेटी से होकर ही बनेगा। ऐसे में अभी तक इसमें से किसी भी नेता ने कमेटी के सामने आवेदन नहीं किया है। कमेटी के संयोजक और पूर्व मंत्री वासुदेव नानी ने बताया कि पार्टी में जो अपनी निष्ठा रखता है वो आ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई नेता किसी भी कारण से पार्टी से अलग हुआ हो लेकिन अब वो घर वापसी करना चाहता है तो सबसे पहले उसे कमेटी के समक्ष अपना आवेदन करना होगा। अब देखना होगा कि राजे खेमे के नेताओं की वापसी हो पाती है या नहीं। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।